Good morning class. This is our new pathology class in which today we will study about the next topic of fluid and hemodynamic changes, that is hemorrhage. हम लोगों ने hemodynamic change start कर लिया था, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ रहे थे disturbance in the volume of blood. तो blood के volume में disturbance के अंदर हमने बोला था कि पहली कंडीशन होती है जिसमें वॉल्यूम बढ़ जाता है, दूसरी जिसमें वॉल्यूम कम हो जाता है. तो वॉल्यूम बढ़ जाता है उसकी दो कंडीशंस हमने पढ़ी थी, हाइपरीमिया और कंजेशन. और आज हम पढ़ रहे हैं जिसके अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उसमें पहली कंडीशन है हैमरेज. हैमरेज ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से बाहर निकल जाता है, एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल. तो ब्लड वेसल से ब्लड बाहर निकल जाएगा, तो ब्लड वेसल में कम हो जाएगा ब्लड का वॉल्यूम. इस कंडीशन को हम हैमरेज कहते हैं. ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है. तो हैमरेज क्या है? एस्केप ऑफ ब्लड आउटसाइड इट्स कंटेनिंग वेसल. जिन वेसल्स में ब्लड होता है उन वेसल से ब्लड का बाहर निकलना हैमरेज कहलाता है. अब क्लासिफिकेशन, ब्लड जो ये हमने कहा कि बाहर निकल रहा है तो उसका क्या असर पड़ेगा? तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वेसल इन्वॉल्व, क्या असर पड़ेगा? डिपेंड करता है वो कौन सी वेसल से निकल रहा है, उस वेसल का नेचर कैसा है, किस समय पर वो और कितनी देर तक वो हैमरेज हो रहा है. मतलब समय तो नहीं, कितनी देर तक, टाइमिंग ऑफ हैमरेज, ड्यूरेशन कितने समय तक हैमरेज हो रहा है. नेचर ऑफ ब्लीडिंग, भाई माइनर ब्लीडिंग है, मेजर ब्लीडिंग है, कितनी ब्लीडिंग है और उसका इंटरवेंशन क्या, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ इंटरवेंशन कितनी जल्दी हमने उसको ठीक कर लिया है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है. अब कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं? तो कैपिलरी, वीनस और आर्टरियल वेसल हो सकता है. आर्टरियल वेसल से अगर हैमरेज हो रहा है तो ब्राइट रेड कलर का होगा, स्पर्टिंग जेट जैसे एमिट हो रहा हो ऐसा लगता है, सीवियर ब्लड लॉस इसमें होने लग जाता है और इसको रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. तो देखो ये डायग्रामेटिकली बताया गया, स्पंटिंग ब्लड, पल्सेटिंग फ्लो, ब्राइट रेड कलर का होगा. फ्लो जो होता है पल्सेट करता हुआ, जैसे पिचकारी छूटती है ना, इस तरह से ब्लड निकलता है जब आर्टरी से निकलता है. जबकि वीनस के अंदर स्टीडी और स्लो फ्लो होता है ब्लड का और ये डार्क रेड कलर का होता है, जबकि आर्टरियल ब्राइट रेड कलर का था. कैपिलरी में स्लो इवन फ्लो होता है, काफ़ी ज़्यादा स्लो होएगा और ये भी ब्राइट रेड कलर का होता है, थोड़ा सा ब्लड निकलता है कैपिलरी में. तो वीनस ब्लड कैसा होता है? डार्कर रेड कलर का होता है, रुका हुआ चिपचिपा फ्लो जो है कुछ इस तरह से निकल रहा होता है. ब्लड जो होता है बाद में गहरे रंग का होने लगता है, जब इसकी ऑक्सीजन में डीसेचुरेशन होता है तब ये गहरे रंग का होता है. इसको कंट्रोल करना काफ़ी आसान है, आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो. जबकि कैपिलरी ब्लड ब्राइट रेड कलर का होता है, तेज़ी से निकलता हुआ ब्लड है, रैपिड और ऊजिंग ब्लड होता है. ब्लड लॉस जो है वो काफ़ी सीरियस होता है अगर ये कई घंटों तक चलता रहे तो. हालांकि ये माइनर होता है और इसको कंट्रोल करना इजी होता है. अब टाइमिंग के बेसिस पर आप देखें तो प्राइमरी और सेकेंडरी हैमरेज, तो प्राइमरी जो है वो सर्जरी के समय पर हो रहा होता है या वेसल में इंजरी हो जाए तो होता है. ये आर्टरियल, वीनस और कैपिलरी तीनों तरह का हो सकता है. पर मैलिग्नेंसी में जो सर्जरी होती है उसके अंदर कॉमनली ये प्राइमरी हैमरेज देखने को मिलता है. अब टाइमिंग की रिएक्शनरी क्या है? भाई ब्लीडिंग जो है 24 घंटे के अंदर अंदर हो रही है, तो 4 से 6 घंटे तक सर्जरी के अंदर ये चलती है. कॉज इज स्लिपिंग ऑफ लाइगेचर, क्यों होने लग जाती है भाई सर्जरी के समय? कि अगर लाइगेचर स्लिप हो जाए, क्लॉट का डिसलॉजमेंट, अपनी जगह से क्लॉट अगर हिल जाए, या रिफ्लक्स वैसोस्पाज़म जो होता है वो अगर रुक जाए, अगर नहीं हो रहा तो ऐसा देखने को मिलता है. तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जब भी आर्टरियल या वीनस प्रेशर बढ़ेगा, तो ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी. अब दूसरी थी सेकेंडरी टाइप की, ये सर्जरी के 7 से 14 दिन के बाद होती है. इसमें वेसल की स्लफिंग होने की वजह से इन्फेक्शन हो गया हो, वेसल की स्लफिंग हो गई हो, या प्रेशर नेक्रोसिस की वजह से या कैंसर की वजह से देखने मिलता है. ये फर्स्ट वार्निंग स्टेन होता है, जिसमें सीवियर ब्लड के बाद फर्स्ट वार्निंग स्टेन के रूप में ये दिखाई देता है.
ये हेमरॉइड सर्जरी के बाद देखने को कॉमनली मिलता है, जीआई सर्जरी के बाद और एम्प्यूटेशन के बाद देखने को मिलता है। ये इसकी ड्यूरेशन ये एक्यूट और क्रॉनिक टाइप का हो सकता है। एक्यूट जो तुरंत स्टार्ट हो जाता है, जैसे ईसोफेजल वेरिसिल ब्लीडिंग होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन में देखने को मिलती है। अब नेचर के बेसिस पर टाइप ऑफ हेमरेज, तो एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल हेमरेज जिसको अपन रिवल्ड कहते हैं, ये एक्सटर्नल या विजिबल ब्लीड होता है, सॉफ्ट टिश्यू में इंजरी की वजह से होता है, लिम्ब वेसल्स में वूंड से, नोज़ वगैरह से जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो इसमें आती है एक्सटर्नल ब्लीडिंग में। जबकि इंटरनल हेमरेज जिसको अपन कंसील्ड भी कहते हैं, क्या कह रहे हैं इसको, कंसील, ये इंटरनल और इनविजिबल ब्लीड होती है, ऑब्वियस आपको दिखाई नहीं देगी। एक्सटर्नल में हमने कहा विजिबल ब्लीड है क्योंकि बॉडी के बाहर कहीं पर भी चोट लग रही है और ब्लीडिंग हो रही है, वो आपको दिखाई देगी, इसलिए वो विजिबल ब्लीड है। और सॉफ्ट टिश्यू में इंजरी की वजह से जनरली हो रही होती है कि कोई चोट लगी, कोई घाव लगे या नक्सीर छूटनी स्टार्ट हो गई हो। जबकि इंटरनल ब्लीडिंग इनविजिबल टाइप की होती है या ब्लंट या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा की वजह से, कि अंदर कोई गहरी चोट लगी हो, कोई ट्रॉमा पेनिट्रेट कर गया हो, उसकी वजह से दिखाई देगा। ये कंसील रहती है जैसा रप्चर्ड स्प्लीन या लीवर से हो रही होती है। कंसील्ड हेमरेज जो है वो बाद में रिपल्ड बन सकता है, हिमैट मैसेस के केस में दिखाई देता है, या मलीना पेप्टिक अल्सर ब्लीड में मलीना। मलीना क्या होता है, ब्लड इन स्टूल, ब्लड इन स्टूल को मलीना कहते हैं अपन। तो पेप्टिक अल्सर के केस में, कि पहले तो पेप्टिक अल्सर से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी पर बाद में स्टूल में भी निकलने लग गई, तो ये कंसील्ड भी हो सकती है, आप इसको देख भी सकते हो। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है भाई ब्लीडिंग की, ब्लीडिंग जब होने लग जाती है तो उससे बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी हाइपोवॉल्यूमिया हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम होती है, ऑक्सीजन का अमाउंट भी कम हो जाएगा, टिश्यू तक पहुंचने वाला ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, यानी हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा। हाइपोपरफ्यूजन हो जाते ही क्या होएगा कि सेल्यूलर एरोबिक रेस्पायरेशन एनएरोबिक रेस्पायरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म चलता है, लैक्टिक एसिड इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में इकट्ठी होने लग जाती है। इकट्ठी एसिड अगर इकट्ठी होगी तो एसिडोसिस हो जाएगा। ये कंडीशन आपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ी थी कि एरोबिक रेस्पायरेशन की जगह एनएरोबिक चलने लग जाएगा और एनएरोबिक रेस्पायरेशन से पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कि एसिडोसिस हो जाएगा। कोएगुलेशन प्रोटीएसेस कम हो जाएगा, कोएगुलोपैथी होने लग जाएगी, सेल इस्चेमिक बन जाएगी, इस्चीमिया ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंटीकोगुलेशन पाथवे चलने की वजह से इस्चेमिक सेल बन जाती है, टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगा, मसल्स वगैरह पे इसका असर पड़ेगा। ये और कंपनसेटरी प्रोसेस, अर्ली इन कंपनसेटरी प्रोसेस, शुरुआत में तो भाई कंपनसेशन वगैरह चल रहा होगा, वरना आगे जो है ये अनपरफ्यूज्ड अगर मसल रही कि अभी तक ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही पहले, तो वो कोशिश करता है कि भाई ये ऑक्सीजन जब कम हो रही है इसको जैसे तैसे करके कंपनसेट किया जाए। पर अगर कंपनसेशन नहीं हो पा रहा है, अंडर परफ्यूज मसल अभी भी बनी हुई है, तो फिर वो मसल हीट जनरेट नहीं कर पाएगी, जिससे कि शरीर ठंडा पड़ने लग जाएगा, यानी हाइपोथर्मिया हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा और हाइपोपरफ्यूजन वगैरह कॉज हो जाएगा, जिससे कि उस जगह के सेल टिश्यू मरने लग जाएंगे, डेथ कॉज हो जाएगी, एसिडोसिस वगैरह की वजह से डेथ कॉज हो जाएगी। अब हेमरेज के फीचर क्या हैं, शरीर पीला पड़ जाएगा, प्यास लगने लगेगी, नीला पड़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सांस तेज हो जाएगी, स्किन ठंडी पड़ जाएगी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, चेहरा सूख जाएगा, मुंह सूख जाएगा, गूज बम्स स्किन के ऊपर दिखाई देने लग जाएंगे, यानी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इरेक्टर पाइलोरम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा हो जाता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रैपिड थ्रेडी पल्स दिखाई देगी, बीपी लो हो जाएगा, ओलिगो यूरिया यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाएगा। इस तरह से फीचर्स जो हैं वो आपको जो कॉज है उसके अकॉर्डिंग फीचर आपको बॉडी में दिखाई देंगे, ये क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। अब हेमरेज की डिग्री भी देख लें अपन, कि चार क्लासेस में अपन इसको क्लासिफाई करते हैं डिग्री के बेसिस पर। अगर ब्लड वॉल्यूम लॉस 15% से कम हो रहा है, 15 से 30% के बीच में हो रहा है, 30 से 40 के बीच में, और 40% से ज़्यादा हो रहा है, तो ये इसकी चार अलग अलग डिग्रीज कहलाती हैं। अब ब्लड लॉस को अपन मेज़र कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम होता है 5 लीटर, एस्टिमेट किया गया 70 ml per kg के हिसाब से,
चिल्ड्रन में और एडल्ट्स में, और 80 ml पर kg के हिसाब से नियोनेट के अंदर। एस्टिमेशन हालांकि डिफ़िकल्ट और इनएक्यूरेट होता है, पर फिर भी OT ब्लड सक्शन एपरेटस में लेकर के उसको मेज़र किया जा सकता है, या स्वाब ब्लड में सोक करके उसको वे करके आप देख सकते हो उसका वजन कितना है, तो उसमें ब्लड कितना है। Hg% और पैक्ड सेल वॉल्यूम से भी अपन देख सकते हैं। PCV मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर, उसको पढ़ लीजिएगा दोबारा, समझ में आ जाएगी चीज़। अब जब कभी भी ब्लड लॉस हो तो उसको ब्लड से ही रिप्लेस किया जाता है। हैमरेज के केस का ट्रीटमेंट क्या है कि उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है हमारे को, तो ब्लड लॉस को ब्लड से ही रिप्लेस करते हैं। बस ये आज का टॉपिक इतना काफ़ी है, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप अपने बुक से पढ़ लीजिए, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर इससे पहले कि हम अपनी ये क्लास ख़त्म करें, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और इसके अंदर बता दूँ, टाइप्स बता दूँ मैं आपको हेमरेज के, जो मैंने नहीं बताया। कॉजेज वगैरह तो मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए, एक्सटर्नल हेमरेज जो होता है वो हीमाटोमा की फॉर्म में हो सकता है। दूसरा टाइप है अगर लार्ज ब्लीडिंग लेजन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में दिखाई देता है तो उसका इकाई मॉसिस कहते हैं। पिन हेड लाइक या पिन पॉइंट हेमरेजिक लेजन स्किन या म्यूकोसा में बनता तो उसको पैटेची कहते हैं। तो ये टाइप है पैटेची, इकाई मॉसिस, हीमाटोमा वगैरह, तो ये पॉइंट्स थोड़े से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और हेमरेज के कॉजेज क्या होता है, ट्रॉमेटिक हो सकता है, स्पॉन्टेनियस हो सकता है, इन्फ्लामेटरी वेस्कुलर डिजीज़, एलिवेटेड प्रेशर और नियोप्लास्टिक कंडीशन की वजह से हेमरेज दिखाई दे सकता है। तो हेमरेज क्या है, एबनॉर्मल एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम अ वेसल, इट मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल इनटू द ऑर्गन्स, सिरोस कैविटी एट्सेट्रा, एंड द इफेक्ट ऑफ हेमरेज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस्ट, स्पीड ऑफ ब्लड लॉस एंड साइट ऑफ ब्लड लॉस। बस इसके साथ आपका ये हेमरेज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक